अब तीसरे शिक्षकों की गंभीर बीमारी वाले तीसरे शिक्षकों की मेडिकल बोर्ड की जांच के कलेक्टर ने दिए निर्देश। देखते हैं क्या है फुल अपडेट। इसी तरह की शिक्षा विभाग से संबंधित लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। अतिशेष शिक्षकों की काउंसलिंग के लिए तैयार की गई सूची में बाबुओं और शिक्षकों की मिली भगत से बड़े पैमाने पर त्रुटियां पाई गई हैं। पत्रिका ने सूची में विसंगतियों को प्रमुखता से प्रकाशित किया था, जिसके बाद कलेक्टर ने संज्ञान लिया और डीओ को जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। पोर्टल पर प्रदर्शित सूची में जिन शिक्षकों के नाम के सामने गंभीर बीमारी का उल्लेख है उनकी जाँच मेडिकल बोर्ड से कराई जाएगी। सूची में ऐसी विसंगतियाँ सामने आई हैं कि एक ही स्कूलों में कई शिक्षकों को गंभीर बीमार बताया गया है, जिससे शिक्षक अतिशेष की सूची से बाहर हो गए हैं और अपने विद्यालय में बने रहेंगे। उदाहरण के तौर पर कई स्कूल हैं जहां पर ऐसे शिक्षक हैं जिन स्कूलों में एक नहीं कई शिक्षकों को ब्रेन ट्यूमर है, किडनी के मरीज बताया गया है। डीओ ने मांगी जानकारी। कलेक्टर के निर्देश के बाद डीओ ने आदेश जारी कर सभी बीओ संकुल प्राचार्य और बीआरसी से जानकारी मांगी है। कई शिक्षक जो गंभीर बीमारी की वजह से अतिशेष सूची में शामिल हुए हैं उन्होंने उच्च पद प्रभार वालों के नाम भी सूची में। हाल ही में शिक्षा विभाग ने शिक्षकों को उनके वर्तमान पद से ऊपर के उच्च पद प्रभार दिए हैं। संबंधित शिक्षक दूसरी जगह पदस्थ हो चुके हैं, इसके बावजूद पुरानी सूची के आधार पर ऐसे शिक्षकों को भी अतिशेष सूची में रखा गया है। तो यह थी अतिशेष से संबंधित लेटेस्ट अपडेट। अतिशेष शिक्षकों की सूची में विसंगतियों पर कलेक्टर ने जांच के निर्देश दिए हैं। जिन शिक्षकों की सूची के आगे गंभीर बीमारी लिखा गया है उनके अभिलेखों का सत्यापन करने के लिए कहा है कि वह मेडिकल बोर्ड की जांच कराई जाएगी उन शिक्षकों की जिन्होंने बताया कि हम गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं। तो इसी तरह की शिक्षा विभाग से संबंधित लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। धन्यवाद दोस्तों।